सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बहनों भाइयों को खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। शिवा जी, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां तो आपकी बड़ी जोर शोर से हैं, लेकिन बात जब मेरी बेटी की होगी तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका दिल तोड़ा जाएगा। तू पहले से जानती है और उसके बाद भी प्रैक्टिस कर रही है कि अपने सासू माँ के पैर कैसे छुएगी। इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रही हूँ मम्मी, क्योंकि मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है अजय की मम्मी और अजय की बहन लाख चतुराई कर ले, लेकिन मेरी शादी तो सिर्फ अजय से ही होगी और देख लेना मैं उसी घर की बहू बनूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, अब तो मैं तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे विश्वास की दाद देती हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ये प्यारी बेटी उस घर की बहू बनेगी और हमारे घर का नाम रोशन करेगी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा आओ, खड़े क्यों हो, यहाँ बैठो। आप नमाज पढ़ रहे थे इसलिए हम दोनों हारू। बेगम, अरे दामनी बेटी और अजय बेटा आए हैं, जरा चाय वगैरह लेके आओ। सुलेमान चचा, आज नमाज पढ़ के आपने क्या दुआ मांगी? ये सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, है ना चाचा? बेटा ऐसी बात नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इंसान और खुदा के बीच इतना नजदीकी रिश्ता होता है कि बिना कुछ कहे भी खुदा उसके दिल की बात जान लेता है। अगर ऐसा है तो फिर आप बता ही दीजिए कि आपने दुआ में क्या मांगी आज। बेटा मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूं और अल्लाह से यही दुआ मांगता हूं कि हमारे गांव में अमन और भाईचारा बना रहे। कोई भी व्यक्ति किसानों के जमीन पर अपना अधिकार जमा कर उनकी रोजी रोटी ना छीने। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मियां मेरी दुआओं को सुन भी रहे होंगे और उसे कबूल भी करेंगे। ये विश्वास आपको कैसे है कि आपकी दुआ को अल्लाह मियां फौरन स्वीकार कर लेंगे? वो इसलिए बेटा कि जिसे ईश्वर और अल्लाह कहते हैं वो इंसान का सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त होता है। वो कैसे सुलेमान चचा? बेटा इंसान ईश्वर को तू कहकर संबोधित करता है या नहीं? कहता है ईश्वर तू मुझे अच्छी सी नौकरी दिला दे, तू मुझे जिंदगी के हर इम्तिहान में पास करा दे। तुम भी तो यही कहते हो
कहते हो या नहीं? जी कहता हूँ। और तुम अपने सबसे नजदीकी दोस्त को भी तू कहकर संबोधित करते हो या नहीं? जी सुलेमान। फिर ईश्वर अल्लाह तुम्हारा दोस्त हुआ या नहीं? बिल्कुल सही बात कही आपने चाचा। अल्लाह ताला और हम इंसानों के बीच शैतान भी हो जो हमारे कामों में रुकावटें डाल। आसान शब्दों में कहें तो अल्लाह अच्छाई है और शैतान बुराई। इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह के करीब रहना चाहिए और हमें हमेशा शैतान से दूर रहना चाहिए। फिर तुम्हारे कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। हाँ चाचा, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके आते ही तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गए? पहले इन्हें चाय तो पी लेने दो। शुक्रिया चाचा। चाय बनाइए। सुलेमान चाचा, आप दुआ तो बहुत अच्छी मांगते हैं, लेकिन क्या अल्लाह मियां आपकी दुआ हमेशा कबूल करते हैं? अल्लाह के दरबार में देर है बेटा, अंधेर नहीं। इंसान की मांगी हुई हर दुआ एक ना एक दिन जरूर कबूल होती है। सुलेमान चाचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ये बात किसी खास मकसद से कही? आपके मन में कुछ तो है जो आप कहना चाह रहे हैं। अजय बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम किसानों के जीवन में एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसका अब तक कोई हल नजर नहीं आया। समस्याएं तो बहुत सारी है सुलेमान चाचा, पर आप किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? आप किस सोच में डूब गए चाचा? क्या बोल रहे थे बताइए। अच्छी फसल के लिए हमेशा अच्छी बरसात होने के लिए दुआएं मांगता है, लेकिन बरसात भी कभी काल उसके साथ आंख मिचौली खेलते रहता है। तब हमें बोरवेल, कुआं और सरकारी नहर के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। पर अब तो हर जगह का पानी भी हम किसान बहन भाइयों से छीना जा रहा है। जगदीश राज और उसके आदमी हम किसान बहन भाइयों की खेती में अड़ंगा लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें पानी ना मिले और हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं। और वो अब अपनी पहुंच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रशीदा चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। उनकी करतूतें जग जाहिर है। उम्मीद की एक भी किरण दिखती है तो मैं और अजय फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तुम दोनों की कोशिशों पर सवाल नहीं उठा रही हूं मैं, बल्कि मुझे ये बताओ कि क्या नतीजा निकला। और जगताप भाई वाले मामले में भी कुछ नहीं हुआ। उनके खेत का बोरवेल तक पाट लिया। फसल बीमा योजना का भी कोई फायदा नहीं लेने दिया। रशीदा चाची, अपनी तरफ से जितनी कोशिश हम कर सकते वो सब हम कर रहे हैं। फसलों की कुदरती बर्बादी से अब सिर्फ फसल बीमा योजना ही रोक सकती। रशीदा चाची, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब हम मंदिर या मस्जिद जाते हैं, अल्लाह या ईश्वर से कोई दुआ या मन्नत मांगते हैं, क्या वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है? नहीं ना, हम तो मामूली इंसान हैं, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। ये फसल बीमा भी बुआई से पहले ही किया जाता है। अगर कोई कुदरती नुकसान नहीं हुआ तो परेशान होने की कोई बात नहीं। फौजी और किसान से ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेता। देखो, कोशिशें तो हम तब तक करते रहे जब तक कि हमें इस काम में सफलता नहीं मिली। तुम दोनों हमें माफ करना, परेशानी के आलम में हमने ना जाने तुम लोगों से कैसी बातें कह दी।
जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। रशीदा चाची, माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमसे बड़ी हैं। आपका हक बनता है कि आप जो चाहे वो कह सकती हैं। आप भी तो किसान बहनों और भाइयों की भलाई के लिए ही बोल रही थी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार ये वर्ड सुना है कि चाय पीने की तलब को चहास कहते हैं। खुद से बना दिया ना? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। काश वो लोग जागरूक होते तो वो लोग कुसुम विकास योजना, कौशल विकास योजना और फसल बीमा योजना का लाभ उठा पाते। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब उन्हें योजनाओं के बारे में ही नहीं पता है तो वे इसका लाभ कैसे उठाते। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ तो इतना भी नहीं समझूंगी आपको कब क्या खाना है, कब क्या पीना है और कब किस चीज की तलब हो रही है। वाह, तो आपको सब बात की खबर हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि हम आपके दिल में रहते हैं, आपको कब क्या चाहिए सब पता रहता। फिलहाल चाय ठंडी हो रही है, चाय पीजिए। वाह, कमाल की चाय बनी है। मनीषा जी, आपको पता है कि चाय की जब तलब होती है तो उसे क्या कहते हैं? चाय की तलब को क्या कहते हैं? चाय की तलब को तलब कहते हैं। इसे कहते हैं चहास। चहास? तो तुम हंस क्यों रही हो? चहास कहते हैं? ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार ये वर्ड सुना है कि चाय पीने की तलब को चहास कहते हैं। खुद से बना दिया ना? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सच सच बोलिए, ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जैसे किसी ने शक्कर घोल दी हो। ये बात तो सही कहा आपने प्रोफेसर साहब, कानों को सुनने में बहुत ही भला लगता है। चहास, ऐसे ही नए नए शब्द बनाते रहा कीजिए प्रोफेसर साहब। आपका ये रिटायरमेंट का समय अच्छे से कट जाएगा और मेरा भी मनोरंजन होता रहेगा। जो हुक्म मेरे आका। प्रोफेसर साहब, हुक्म का नाम मेरे सामने मत लिया कीजिए। उसका चेहरा मेरे नजरों के सामने घूमता रहता है। उसने हमारे किसान बहन भाइयों को बर्बाद कर दिया। काश वो लोग जागरूक होते तो वो लोग कुसुम विकास योजना, कौशल विकास योजना और फसल बीमा योजना का लाभ उठा पाते। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब उन्हें योजनाओं के बारे में ही नहीं पता है तो वे इसका लाभ कैसे उठाते हैं? लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके हमारे किसान बहन भाइयों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मुझे भी जरा कंफ्यूजन है कि वो प्रीमियम कब भरना है, कैसे भरना है और कहाँ। देखिए, ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है और ये बड़ा आसान है। इसके लिए आवेदनकर्ता को उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है उनकी वेबसाइट https://pmmodiyojana.in/ पे जाना है।
अब इस ऑफिशियल साइट पे जाते ही इसका होम पेज खुल जाता है। देखिए अब इसके नीचे यहाँ पर एक इंश्योरेंस कैलकुलेटर करके दिया हुआ है, जिसमें आवेदनकर्ता को जाके एक बड़ी आसान सी जानकारी है इसमें, जैसे क्रॉप का सीजन, ईयर, कौन सा क्रॉप है, इन सब चीज़ों का जवाब देने के बाद कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करते ही प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है। ये देखो, यही नहीं, अगर उन्हें कोई शिकायत भी दर्ज करानी हो, यहाँ एक बटन है, ये देखो, ये बटन है टेक्निकल ग्रीवांसेस का। टेक्निकल ग्रीवेंस का ऑप्शन क्लिक करने पे इस पेज पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कमेंट दर्ज करके भी अपनी समस्या को विस्तार से बता सकते हैं, जिस पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन हमारे किसान बहन भाइयों को इंटरनेट की जानकारी या ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कैसे भरेंगे फॉर्म? उसका भी ऑप्शन है प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसमें दो नंबर है। अच्छा, देखिए, पहला हेल्पलाइन नंबर है इस योजना के अंतर्गत 011-2338-2012 और दूसरा नंबर है 011-2338-1092। अगर इस योजना को लेकर किसी किसान को कोई परेशानी है तो नंबर पे फोन करके किसान अपनी शिकायत बता सकते हैं, जिसका उसका निराकरण वहां किया जा सकता है। और साथ साथ इस योजना से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये मत भूलो कि हर धर्म युद्ध में ऐसा ही होता है, मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें डटकर उनका मुकाबला करना है। कुछ दुष्ट लोग तुम्हारा रास्ता भी रोकेंगे, लेकिन तुम्हें डट कर रहना है। आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कोई सकारात्मक नतीजा आएगा मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करूंगी। मैंने अपनी कोशिशें तो बंद नहीं की है ना। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आजकल मोबाइल फोन तो सबके पास होता है, तो हमारे किसान बहन भाई फोन करके अपने समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। और कोई भी किसान बहन भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वो सरकारी दफ्तरों जैसे बैंक, पैक्स, जनसेवा केंद्र, बीमा एजेंट या सीधे बीमा कंपनी से भी आवेदन कर सकते हैं। नमस्ते मनीषा चाची। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो बैठो बेटा। एक बात बताओ बेटा, तुम इन्हें चाची कहती हो और मुझे अंकल, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मनीषा आंटी एकदम हिंदुस्तानी दिखती हैं और आप हैंडसम एंड कूल। अच्छा ये भी खूब रही। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों आ कहां से रहे इस वक्त? सुलेमान चाचा के घर गए थे। सिर्फ सुलेमान चाचा का घर नहीं है, वो रशीदा चाची का भी है। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम बार बार ये कहें कि सुलेमान चाचा और रशीदा चाची के घर गए थे? हाँ जरूर, हमेशा ये कहना होगा। क्या वो घर उन दोनों का नहीं है?
मनीषा चाची आप ही बताइए, घर का पता पूछने पर लोग घर के मठ का नाम ही क्यों लेते हैं? घर में रह रही माँ बहन बेटी का नाम क्यों नहीं लेते? दामनी बेटा, तुम बात तो बहुत पते की कर रही हो, है ना प्रोफेसर साहब? अरे बिल्कुल, मेरी शामत आई है कि मैं आपकी हाँ में हाँ ना मिलाऊं। ये क्या पापा, आपने तो बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया। अरे बेटा, जहाँ हार का खतरा हो ना, हथियार डाल देने में ही अकलमंदी है। अजय बेटा, ये सब बातें बाद में होती रहेगी, पहले ये बताओ कि सुलेमान और रशीदा के घर में गए थे तुम दोनों, क्या बात हुई वहां पे? दूसरे कई किसान बहनों भाइयों की तरह सुलेमान चाचा भी इस बात को लेकर परेशान है कि जगदीश राज और उसके जैसे न जाने कितने रईस लोग अपने पैसे और रुपयों का इस्तेमाल कर किसानों को मिलने वाली योजनाओं के लाभ में अड़ंगा डालते हैं। इसी कारण गांव के किसान बहन भाई काफी निराश हैं। उन्हें लगता है कि जगदीश राज जैसे लोगों की जीत होगी और किसान बहन और भाइयों की हार। तो बेटा तुम ही किसान बहन भाइयों को समझाओ ना, हर बड़े उद्देश्य में कठिनाइयां आती है, और ये मत भूलो कि हर धर्म युद्ध में ऐसा ही होता है, मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें डटकर उनका मुकाबला करना है। कुछ दुष्ट लोग तुम्हारा रास्ता भी रोकेंगे, लेकिन तुम्हें डटकर रहना है, और ये लड़ाई तुम दोनों को ही लड़नी है, और देखना जीत भी तुम दोनों की ही होगी। हाँ चाची, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम ये लड़ाई जरूर जीत जाएंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। अब आप कहेंगी कि आपको परेशान करने हम फिर आ गए, लेकिन हमारी समस्याएं कुछ ऐसी है जिसका निदान आपके सिवा और कोई नहीं निकाल सकता है। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रही है, और आपके गांव के लोगों की परेशानियों को भी मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं समझते कि ये काम उतना आसान नहीं है। आपको कितने लोगों से मिलना होता होगा ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। हम आपसे शिकायत करने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे पूछने आए हैं कि आपकी कोशिशों का नतीजा कब तक सामने आएगा और कितना समय लगेगा इस काम में। देखिए, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कोई सकारात्मक नतीजा आएगा मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करूंगी। मैंने अपनी कोशिशें तो बंद नहीं की है ना मैम? हम आपकी नियत और काबिलियत पर कोई शक नहीं कर रहे, हम ये जानते हैं कि आप पूरी लगन से नहर के पानी की समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही, लेकिन गांव के किसान बहन भाई जब हमसे और दामनी से सवाल पूछते हैं तो उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं होता। और आप तो जानती हैं कि इस समस्या से किसान बहन भाई बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, आखिर वो कब तक इंतजार करेंगे? अब उन्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इंतजार नहीं करना पड़ेगा मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की और मेरी सारी कोशिशें सफल हुई। आपके गांव के दो बदमाश जगदीश राज और हुकुम सिंह दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और उन दोनों को जगदाब के खेत से बहुत दूर भेजा जाएगा, वो भी फौरन। और इसके साथ जगदाब का बोरवेल जो इन लोगों ने पाट दिया था उसे भी ठीक करवा दिया जाएगा। और इन सब चीजों के साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूंगी कि जगदाब को किसान क्रेडिट कार्ड या फिर किसी तरह का बैंक लोन मिल जाए, ताकि फसल की बुआई में भविष्य में उसे किसी तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और हाँ, आप लोग उसकी मदद करके उसकी अगली फसल का बीमा जरूर करवा दीजिएगा,
जिससे वो किसी भी अनजान प्राकृतिक आपदा से बच सके। आपका मतलब है कि क्या हुआ, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा? इतनी कठिन समस्या थी कि इस पर यकीन करने में थोड़ा समय लगेगा। आपका आभार किन शब्दों में करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस समस्या का समाधान करने में आप दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कभी सरदर्द का बहाना करके, कभी नखरे दिखाकर, तो कभी गुस्सा करके, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कभी वो तुमसे ऊंची आवाज में बात ना करे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अल्लाह करे जिस काम के लिए गए हैं उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई।